वेलकम गाइस। तो आज मैं आपको ऐसे WM का जहरीले टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा ना भाई, कि उसके बाद आप एक या दो स्क्वाड क्या दो WM से पूरी लॉबी को तबाह कर सकते भाई। सब 49 पीस निकाल सकते हो साले। कभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल, माफ करना गाइस, इधर उधर जरा निकल जाता हूँ, सॉरी। तो जो पहली टिप है वो है यूज एमबॉट। तो एमबॉट आपको कैसे यूज करना है मैं बताता हूँ आपको। पहले सेटिंग में आ जाना है, फिर आपको कस्टम एचडी में आ जाना है, और फिर आपके ये कुत्ते बिल्ली पांडा पक्षी जिसका भी है उसके एकदम सेंटर में लेके आ जाना है। ये जो चार लाइन है जो प्लस का आइकन बनाती है उसके एकदम बीच में लेके आ जाना है, और पूरा साइज इसका कम कर देना है। और ट्रांसपेरेंसी आप चाहे तो कम कर सकते हैं या 100 रख सकते हैं, और फिर सेव कर देना है। तो इससे होगा कि जैसे कि बाकी सब बंदूक में होता है एमबॉट, वैसे ही आपका AWM में भी आ जाएगा। तो ऐसे ही आप AWM को अच्छे से यूज। सेकेंड ट्रिप से बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि स्नाइपर से भी ड्रैग लगता है। अब देखना मेरा एम कहाँ है और कहाँ जाएगा, देखा लगाना ड्रैग। तो जो सेकेंड टिप है वो है किल इनसाइड ग्लू वॉल। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके पास ग्लू वॉल होते हैं लेकिन साथ में आपके पास मेड किट भी नहीं होता है, इसलिए आप MF2B का यूज़ करके आप ग्लू वॉल के अंदर से भी बंदे को मार सकते हैं, और यही इसका टिप है। हालांकि मैं इसमें मर गया क्योंकि भाई ट्रेनिंग मोड में ईजी नहीं होता है क्लिप निकालना, और इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपके पास मोको होना जरूरी है। बढ़ते अपने थर्ड ट्रिप। थर्ड टिप है प्रैक्टिस। आपको एकदम प्रोफेशनल AWM यूजर्स बनने के लिए आपको प्रैक्टिस, तो पहले आपको फायर बटन को दबाना है, फिर AWM को दबाना है, और फिर से फायर बटन को दबाना है, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आप एक प्रोफेशनल AWM यूजर बन जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।